हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जिसे ब्रेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट में जो है कहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क किस प्रकार से, कौन सा हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो उसके लिए मैंने एक रफली डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ब्रेस्ट का एक वर्टिकल सेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। इस वर्टिकल सेक्शन में केवल जो इसके पार्ट्स है, उस पार्ट्स के बारे में आप ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आज हम लोग का जो मेन वीडियो है, मेन जो फोकस रहेगा, वो इंटरस्ट्रक्चर ऑफ इन मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट के ऊपर रहेगा। तो एक वर्टिकल सेक्शन यहाँ पर काटा गया, उसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इसके आउटसाइड की ओर अगर हम देखें यहाँ पर जो है, तो आउटसाइड को रिब्स प्रेजेंट है। इसके अलावा रिब्स के बीच बीच में कुछ मसल्स पाए जाते हैं, इसको मसल्स बिटवीन रिब्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कुछ पेक्टोरिस मेजर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो इस ब्रेस्ट के बाहर की ओर होता है। तो हम लोग को स्टडी इसका नहीं करना है, इसकी स्टडी बाद में करेंगे। अभी जो हम लोग का मेन टारगेट है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, यानी इस जो पूरे पार्ट है, इस पूरे पार्ट में देखें कौन से भाग है और इस पूरे पार्ट में कहां पर जो है मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, और मिल्क का फॉर्मेशन होने के बाद किस प्रकार से मिल्क का इजेकुलेशन मींस यहां पर सिक्रीशन निपल्स के थ्रू यहां पर होता है। तो एक रफली डायग्राम यहां पर हमने बनाया है, जो एनसीईआरटी के बुक में आपको मेंशन मिल जाएगा। तो उस चीज को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसके इंटरनली पार्ट को अगर हम देखा जाए, तो उसमें सबसे जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट से प्रेजेंट होता है, और वो है यहां पर से चारों ओर जो यहां पर प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं फैट। जो फैट है ये यहां पर चारों ओर प्रेजेंट होता है। तो फैट क्या करता है, फैट के कारण जो ब्रेस्ट होता है वो काफी जो है बड़ा हो जाता है, और जिस पूरे जो पार्ट्स है जो इसके अंदर की ओर जहां पर मिल्क का फॉर्मेशन, उसको जो है थोड़ा सा कह सकते हैं यहां पर सपोर्ट देने का काम करता है ये पूरा जो फैट होता है। यहां पर इस फैट के ठीक नीचे की अगर हम लोग आए देखें यहां पर जो है, तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ छोटे छोटे मैंने मेमोरी लोब बनाए हुए हैं। यहां पर क्या बनाए, छोटे छोटे लोब्स बने हुए हैं। अब ये जो लोब्स होते हैं, ये मेमोरी लोब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेस्ट वाले भाग में। मेमोरी लोब की संख्या कितनी थी, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि मेमोरी लोब की संख्या ब्रेस्ट में प्रत्येक ब्रेस्ट में कितनी होती है। तो आपको यहां पर समझना है कि जो प्रत्येक ब्रेस्ट होता है, उस ब्रेस्ट में मेमोरी लोब की जो संख्या होती है वो 15 से 20 लोब्स जो है, यानी 15-20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर एक ब्रेस्ट में। तो यहां पर मैंने एक ऐसे बहुत कुछ यहाँ पर लोब्स मैंने बनाया, चूंकि मैंने कहा कि वर्टिकल सेक्शन है। अगर आप इसमें थोड़ा सा 360 डिग्री को देखा जाए, चारों तरफ को देखे, तो आपको समझ जाए कि 15 से 20 लोब इससे प्रेजेंट होते। तो मैंने यहाँ पर कुछ लोब्स यहाँ पर बनाए हुए, आप क्लियरिटी नहीं दिखेगा कि कितने लोब्स है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सघन होते हैं, बहुत ही डेंस फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहां पर ये आपकी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी जो लोब्स है वो लोब्स यहां पर देखा जाए तो ये 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर जो मेमोरी लोब है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे, क्योंकि मेमोरी लोब के अंदर जो यहां पर है एक कोशिकाओं का सघन रूप पाया जाता है, इसको हम कहते हैं कि कोशिकाओं का बना हुआ एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है, या इसको क्लस्टर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स एक्चुअल में बनता क्या है, ये बनाता है मेमोरी एल्वियोल्स का निर्माण करता है। ये जो मेमोरी एल्वियोल्स है ये मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी प्रत्येक लोब में बहुत सारे कोशिकाओं के क्लस्टर्स बने हुए होते हैं, जिसको कहते हैं मेमोरी एल्वियोल्स, या इसको एल्वियोलाई भी कहते हैं, एल्वियोलाई सिंगल फॉर्म में से एल्वियोलाई कहेंगे। तो जो मेमोरी एल्वियोल्स है या एल्वियोलाई, ये एक्चुअल में होते क्या, ये होते क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये पूरी तरह से कोशिकाओं के क्लस्टर बने हुए होते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई में ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रेस्ट के किस कोशिका में या किस पार्ट्स में जो है मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो आपको याद रखना है कि उसमें जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, उस एल्वियोलाई में ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मिल्क बन चुका है, ये मिल्क यहां से कैसे निकलेगा और किस प्रकार से ये निप्पस के थ्रू जो है इजेकुलेट करेगा, इस चीज को भी यहां पर समझना है। तो एल्वियोलाई जो है ये यहां से छोटे छोटे, अभी इसको थोड़ा सा एक फिगर और भी डायग्राम जो है
ड्रा करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये पूरा जो इसका फ्लो होता है, किस प्रकार से मिल्क फ्लो करता है, उसको एक अलग व्यू जो है यहाँ पर एक फिगर में देखेंगे समझेंगे। अभी एक केवल मैं एक फिगर जो ड्रा किया हूँ इसको केवल आपको मेंशन कराऊं कि किसका कहाँ पर कौन सा पार्ट्स प्रेजेंट होता है। तो इसको अभी हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि हाई यानी उसको जो है थोड़ा सा ग्रो करा कर थोड़ा सा उसमें जो देखेंगे कि किस प्रकार से थोड़ा सा इन लार्ज फॉर्म में हम इसी फिगर को देखेंगे। अभी तो केवल यहाँ पर बहुत सारी चीजों को एक साथ बना दिया गया है। तो जो मेमोरी अल्वेलाई है जिसको क्लस्टर ऑफ सेल्स कहते हैं, यानी जहां पर कोशिकाओं के क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अब ये मिल्क जो बन गया है वो कहां से आगे बढ़ेगा, तो जो मिल्क होता है मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी डक्ट के थ्रू होते हुए एम्पुला, यहाँ पर एम्पुला छोटे छोटे एम्पुला प्रेजेंट है, ये एम्पुला थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है और वहां से होते हुए लैक्टिफ्रस डक्ट से निपल्स के थ्रू ये जो इजैकुलेट करता है। तो ये तो थी ओवरऑल एक टॉपिक की यहाँ पर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले आप समझना है कि इसके चारों तरफ एक फैट, बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट है, उसके नीचे 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग मेमोरी लोब कहते हैं। उस मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे एल्वेलाई यानी कि कह सकते हैं कि कोशिकाओं के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको एल्वेलाई कहते हैं, जहां पर मिल्क का फॉर्मेशन और वहां से फिर जो बहुत सारी नलिकाएं होती है, उस नलिकाओं के थ्रू होते हुए निपल से इजेकुलेट कर जाता है यहाँ पर मिल्क। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल यहाँ पर समझने वाली बात आती है वो ये आती है कि ये जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है या जो मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मिल्क का फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के बाद ही क्यों होता है, इस चीज को भी यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जब आफ्टर प्रेगनेंसी जो मिल्क का फॉर्मेशन क्यों होता है और मिल्क का सिक्रेशन कैसे होता है और क्यों इतने ह्यूज अमाउंट्स में होता है जब वो जो ब्रेस्ट है, जब ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है। तो समझते हैं यहाँ पर एक्चुअल में ये पूरी जो प्रोसेस होती है हार्मोनल यहाँ पर कंट्रोल से होता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय दो हार्मोन्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देखना है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है टू हार्मोन्स, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। एक्चुअल में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वहां से सिक्रेट होता है, और दूसरा यहां पर जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन होता है, लैक्टोजेन हार्मोन होता है। तो ये यहां पर दो हार्मोन्स है, पहला जो हार्मोन्स मैंने बताया जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो एक्चुअल में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और जो दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन्स होता है ये प्लेसेंटा से बनता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें सबसे पहले प्लेसेंटा का फंक्शन होता है और वो उस प्लेसेंटा के द्वारा इस हार्मोन का निर्माण होता है। लेकिन एक्चुअल में होता है क्या कि प्लेसेंटा प्रेगनेंसी टाइम में ही समाप्त होता है, मीन्स ये भी धीरे धीरे वहां पर समाप्त होता है। लेकिन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है ये जब तक वहां पर यानी कह सकते पूरे प्रेगनेंसी टाइम में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो सक्रिय होता है, और इस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मेन फंक्शन होता है मिल्क फॉर्मेशन करना। आपको याद रखना है यहाँ पर मिल्क फॉर्मेशन करना, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ये मिल्क को इजेकुलेट नहीं कराएगा, इजेकुलेट कराने के लिए दूसरा हार्मोन्स आएगा। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है यही मिल्क का फॉर्मेशन करता है, कहां पर करता है एल्वियोलाई वाले पार्ट्स में करता है। तो मिल्क का फॉर्मेशन यहां पर हो गया प्रोलैक्टिन के थ्रू, लेकिन जब वहां पर डिलीवरी हो जाती है और बच्चा बाहर आता है और बच्चे को यानी जो मिल्क है यानी बच्चे को जो मिल्क चाहिए यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, तो उस समय जो मिल्क का सिक्रीशन भी करना है, इजेकुलेट करना है, तो इजेकुलेशन के लिए एक दूसरा हार्मोन आता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और आप पढ़े भी होंगे, इसको पढ़ा भी दिया गया है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो जो ऑक्सीटोसिन, हालांकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता नहीं है लेकिन फिर भी वहां से सिक्रीट होता है, तो जो ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये जब डिलीवरी हो जाती है लेबर के बाद जो है ये वहां सिक्रीट हो कह सकते हैं कि ये वहां पर सिक्रीट होता है, और ये पहुंच करके ऑक्सीटोसिन करता क्या कि जो मिल्क है उस मिल्क के इजेकुलेशन में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से यहां पर दो चीजें आप देख रहे हैं कि मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के थ्रू, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन के फॉर्म में यहां पर काम करता है। तो ये दो हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि एक और हार्मोन भी रहता है जो प्लेसेंटा से के द्वारा सिक्रेट होता है, लेकिन प्लेसेंटा धीरे धीरे समाप्त होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होती है।
तो आपका जो मेन है वो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यहाँ पर मेन होता है। तो ये तो था एक समझने के लिए, लेकिन अब समझते हैं इसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉड करके किस प्रकार से ये इसका जो मिल्क फ्लो हो रहा है वो कैसे जो है इस लोब से होते हुए इस निप्पल के बाहर इजेकुलेट कर रहा है। तो उसको यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से ये इसका इजेकुलेशन होता है। तो उसके लिए भी एक अलग से जो है यहाँ पर फिगर ड्रा करते हैं, उस फिगर में आपको क्लियर समझ जाएगा किस प्रकार से जो है इजेकुलेशन मिल्क का होता है। यहाँ पर फिगर कर दिया गया है। ये जो एक्चुअल फिगर है ये पूरे के पूरे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने कहा कि 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एक ब्रेस्ट में। तो यहाँ पर 15 से 20 लोब्स, यहाँ पर हालांकि मैंने 3 लोब बनाए 1 2 3 इस तरह से, और ये सभी क्या है 2 3 ऐसे 4 ऐसे जाकर के जुड़े होते हैं एम्पुला वाले भाग से। तो मैंने इसी में से जो बहुत सारे निकले हुए हैं ब्रांच उसी को एक जो है बहुत ही जो है उसको इनलार्ज फॉर्म में बना दिया है, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इसके अंदर किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। मैंने शुरू में बताया था कि अभी जो मैंने यहाँ बनाया, ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया, इसी में किस प्रकार से एक जो मिल्क का फॉर्मूला उसके बाद जो है किस प्रकार से मिल्क का फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा चार्ट आपके दिमाग में यहाँ पर बैठ जाएगा कि किस प्रकार से मिल्क कहाँ पर बन रहा है। अभी आपने देखा कि कौन सा हार्मोन मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, कौन सा जो है मिल्क इजेकुलेशन में हेल्प कर रहा था, और कब अब कैसे किस प्रकार से जो मिल्क है वो मिल्क यहां से होते हुए इस निप्पल्स के थ्रू जो है इजेकुलेट करेगा। तो इस चीज को यहां पर आपको देखना है, समझेंगे यहां पर समझेंगे सबसे पहले। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो पूरा फिगर है ये फिगर इसी में से एक फिगर को निकाल करके जो है बना दिया गया, एक एम्पुला वाले यानी एक जो है लैक्टिफ्रस डक्ट वाले पार्ट को निकाल करके यहाँ पर फिगर बना दिया गया है। यहाँ पर मैंने कुल 3 लोब बनाया 1 2 एंड 3, ये 3 लोब मैंने बनाया, ऐसे कुल 15 से 20 लोब प्रेजेंट होते हैं। अब आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि कितना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लोब्स है वो लोब्स मैंने यहाँ पर 3 बनाया 1 2 एंड 3, ऐसे 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और मैंने एक लैक्टिफ्रस डक्ट का ऐसे यहां से भी कुछ निकले होंगे, ऐसे यहां से निकलेंगे, ऐसे आप जब 360 को, क्योंकि एक ये सेक्शन काट के दिखाया गया है, जब 360 इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कई सारे ऐसे गोलाई में बने होते हैं, तो ये अलग अलग लैक्टिफ्रस डक्ट यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर समझेंगे किस प्रकार से फ्लो होता है, कहां पर क्या होता है। तो सबसे पहले समझ में आया कि ये जो पूरा पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को कहेंगे मेमोरी लोब, यहां पर मैंने इसको मेंशन किया है मेमोरी लोब उसको बोलेंगे। और प्रत्येक मेमोरी लोब में अब आप देख रहे हैं यहां पर प्रत्येक मेमोरी लोब में बहुत सारे, यहां पर मैंने कुछ यहां पर बनाया है एल्वियोलाई की संख्या बनाया है, लेकिन ये एल्वियोलाई की संख्या इससे अधिक हो सकती है। तो यहां पर क्या इस मेमोरी प्रत्येक मेमोरी लोब्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट हो, जैसे मैंने यहां पर दर्शाया है। तो ये जो एल्वियोलाई होता है इसी एल्वियोलाई के अंदर अगर हम लोग बात करें, जैसे ये एल्वियोलाई है तो इसी एल्वियोलाई बहुत सारे छोटे छोटे एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एपिथेलियल सेल्स में ही जो है जो मिल्क होता है उस मिल्क का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। किसके हेल्प से? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की सहायता से, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये जो एपिथेलियल है इस एपिथेलियल के द्वारा जो है जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो इस एल्वियोलाई वाले भाग में हो जाता है, और ये एल्वियोलाई वाला भाग अब देखेंगे कि एल्वियोलाई वाला भाग जो है एक छोटे से पार्ट से जुड़ा हुआ है जिसको नाम देते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है ना, प्रत्येक एल्वियोलाई जो है वो एक मेमोरी ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि मेमोरी लोब्स के बाद यहां पर आप देखेंगे कि एल्वियोलाई जो है मेमोरी यहां पर ट्यूब्यूल्स, यहां पर मैंने इसको मेंशन किया है मेमोरी ट्यूब्यूल्स को, इस मेमोरी ट्यूब्यूल्स से ये आगे की ओर बढ़ता है और ये पहुंचता है मेमोरी डक्ट में। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी जो बड़े वाले हैं पार्ट जिससे बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आकर के जुड़े हुए हैं वो यहां पर बना रहा है मेमोरी डक्ट, और इस मेमोरी डक्ट होते हुए ये मेमोरी डक्ट पहुंचता है, और सभी मेमोरी डक्ट आकर के एक बड़े से थोड़ा स्वेलिंग वाला भाग हो जाता है, फूला हुआ भाग होता है, इसको एम्पुला के नाम से जानते हैं, और ये एम्पुला में आकर के यहां पर इसकी ओपनिंग होती है। अब ये एम्पुला से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर बढ़ करके लैक्टिफ्रस डक्ट के थ्रू होते हुए ये निप्पल से इजेकुलेट करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो मिल्क का फॉर्मेशन है वो मिल्क का फॉर्मेशन इस एल्वियोलाई पार्ट में होता है और यहां से निकलते हुए आता है, और फिर उसका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वहां पर जो है एक
फीडबैक एक्शन को होगा या कैसे रिफ्लेक्टिव एक्शंस के थ्रू जो है ये यहां से जो है या कैसे रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू जो है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो यहां पर मिल्क बना हुआ उस मिल्क को यहां से इजेकुलेट कराने में हेल्प करेगा। तो ये जो था यहां पर पूरी आप देखें कि किस प्रकार से ये बन रहा है। तो आइए समझते हैं पूरा मिल्क का फ्लो किस प्रकार से, यानी अगर हम इसको मिल्क फ्लो के चार्ट को बना ले तो हम काफी हद तक क्लियर कर ले जाएंगे कि जो मिल्क का फ्लो है वो किस तरह से, क्योंकि आपको चार्ट यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चार्ट है उस चार्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एक बार चार्ट आपको याद हो गया तो आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कहां पर मिल्क बन रहा है और मिल्क बनने के बाद किस किस जो पाथवे उसके पाथवे से होते हुए इजेकुलेट कर रहा है। तो समझते हैं यहां पर एक छोटा सा हेडिंग मिल्क फ्लो, मिल्क फ्लो किस प्रकार से मिल्क का फ्लो होता है, किस प्रकार से मिल्क बहता है। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले मिल्क का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है। आपको यहां पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, पूरे फिगर में आपको ड्रा किया गया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर एल्वियोलाई होता है जिसे हम मैमरी एल्वियोलस भी कहते हैं। तो जो एल्वियोलाई होते हैं वहां पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है और एल्वियोलाई से होते हुए, अब आप देख रहे हैं कि एल्वियोलाई से होते हुए मैमरी ट्यूब्यूल्स में पहुंचता है, यानी जो मिल्क होता है वो कहां पर पहुंचता है, ये पहुंचता है मैमरी ट्यूब्यूल्स में पहुंचता है और मैमरी ट्यूब्यूल से होते हुए ये जो मिल्क होता है पहुंचता है मैमरी डक्ट में पहुंचता है। मैमरी डक्ट से होते हुए जो मिल्क होता है वो फिर पहुंचता है यहां पर एम्पुला भाग में, यानी एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है और एम्पुला से होते हुए ये पहुंचता है लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में, और ये यहां से लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए ये पहुंचता है निप्पल और ये यहां से निप्पल से होते हुए ये आउटसाइड पहुंच जाता है। तो ये जो मिल्क का फ्लो है ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो मिल्क का फॉर्मेशन, क्योंकि इस फ्लो को अगर आप इस फ्लो चार्ट को अगर आप तैयार रखते हैं तो आपका जो है कि पूरा पूरा पोर्शन कहां पर मिल्क बन रहा है, कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प कर रहा है। बस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेकुलेशन में हेल्प करता है और ये मिल्क का फॉर्मेशन एल्वियोलाई में हो रहा है। एल्वियोलाई से ये जो है मैमरी ट्यूब्यूल से होते हुए डक्ट में पहुंचता है, डक्ट से जो है एम्पुला, एम्पुला क्या होता है थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट से बहुत सारे जितने भी लैक्टिफेरस डक्ट सभी से आकर के यहां पर खुलेगा और यहां से होते हुए एक छिद्र होगा जिसको नाम देंगे निप्पल और उसके थ्रू होते हुए, हालांकि इस पूरे पार्ट को हम टीट के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना टीट भी इसको कहते हैं, द एपेक्स पार्ट्स ऑफ निप्पल इज नोन एज टीट। वहां से ये बाहर निकल जाता है, आउटसाइड होता है, इजेकुलेट हो जाता है और इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो पोर्शन था वो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड या जिसको हम ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कहां पर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, उस मिल्क के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपने देखा कि एल्वियोलाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है क्योंकि वहां पर ही मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद आपने मिल्क फ्लो का एक चार्ट देख लिया, फ्लो चार्ट, क्योंकि जो फ्लो चार्ट है इसको अगर आपका तैयार हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका ये जो पोर्शन है इंटरस्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इससे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज यहाँ पर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।